अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ शकीब अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर कुरमारा। हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। विलेज पहुंच चुके हैं, ताक बीच पहुंच चुके हैं और आपको बताएंगे। ये हैं अजीम खान, जिनकी ताक में दुकान है रोड पर। और आप जब आएंगे, उनकी दुकान पहले रोड पर मौजूद है। असलम से बात करते हैं, जो मेरे हम सफर हैं, रास्ते में हम ताक पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताक में असलम से बात करते हैं कि ताक के हवाले से असलम क्या कहते हैं। ताक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती जागे है, ब्याह सहल पिकनिक वगैरह देते दरिया हैं, पहाड़ कुएँ तो सीनरी हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जगह है। ब्याह दरा इंशाल्लाह ब्याह पिकरते गेंदे थे, वहाँ की ज़बरदस्त जगह है, किसा बनना द्वारा असलम कह रहे हैं कि ताक के हवाले से, ताक तो एक बेहतरीन प्लेस है, खूबसूरत जगह है, जहाँ अड़ी मुख्तलिफ किस्म की सीपियाँ, के मुख्तलिफ किस्म की अड़ी मछलियाँ और खूबसूरत एक विलेज है ताक बीच। और फेमस है खासकर सारा माश के लिए, मछलियों के हवाले से यहाँ एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होती हैं मछलियाँ। एक खूबसूरत जगह आपको ले चलेंगे ताक बीच पे। हम आए हैं अजीम जान के साथ, अजीम जान के मेहमान हुए हैं तकरीबन चंद घंटों के लिए, लेकिन आपको ले जाएंगे वहाँ साहिल पे और दिखाएंगे। आज हम आए हैं अजीम जान की दुकान में, अजीम खान की, और उनके भाई से रहीम बख्श से बात करेंगे। वो ताक के बारे में कुछ मालूमात देंगे, हमें साथ दें और साथ रहें, उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह, आप भी साथ दें। बलूची में बात करेंगे वो, और ट्रांसलेट आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा उर्दू में। ओ माँ ताका निश्तगा ताक अंचे बाज़े मुश्किल इलाके है, ज़बरदस्त बाज़ ताक खूबसूरत इलाके है। इधर कई मर्दों ताक तुता कहते हैं, गर्दे का चक्करा सहेला बिल्कुल ही ताक हमारा जगह ज़बरदस्त जगह है, पिकनिक पॉइंट कार ताक है बिल्कुल बराबर में, अल्लाह शुक्रिया कारोबार ताक अपना चल गए बिल्कुल में, अल्लाह शुक्रिया बिल्कुल बराबर है ताक है, सहेली बिल्कुल बिलेट बिल्कुल ज़बरदस्त है, बाज़ वर्षे ज़बरदस्त जा गए बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। कई मर्दों में तो कहते हैं बिल्कुल ताक है, 4,000 ताक है टूरिस्ट बिल्कुल का ना जियो बिल्कुल ना है ताक, टूरिस्ट बिल्कुल है दुरुस्त जी ताक को का है बिल्कुल बेहतरीन जगह में ताक तो के बिल्कुल माँ कई सालन रिश्ते को पीर को खानदान है बिल्कुल इधर इतना ताक तो का ताक बिल्कुल ज़बरदस्त ताक अच्छे बेहतरीन जगह रिमोट इलाके तो का भी ताक बेहतरीन जगह बिल्कुल पॉइंट ताक है, ज़बरदस्त जगह पॉइंट है, कई सहेली बिल्कुल पॉइंट कहते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त जगह है ताक बेहतरीन जगह है। रहीम बख्श ने आपसे बात की, मुझे भी बहुत पसंद आया। बहुत सारे कह रहे थे कि उर्दू में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ एंजॉय करते हैं और बीच का मज़ा लेते हैं, यहाँ जो जितनी भी मतलब मछलियाँ हैं उनकी बहुत सारे इकसाम पाई जाती हैं, शेल्स हैं, सीपियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनसीन रहे, मतलब आपने देखी नहीं होंगी। हम उस हवाले से किनारे पे चलते हैं, आपको ले जाएंगे और कश्तियों की समझ आए चलें। अच्छा
के साथ गाड़ी में कलातो विलेज जा रहे हैं। कलातो एक जगह है, ताक का एक हिस्सा है, वहाँ जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं गाड़ी में। साथ दें हमारे, आपको ले जा रहे हैं कलातो। कलातो एक आर्बर है और वहाँ जो माहीगीर लोग रहते हैं उसी हवाले से आपको बताएंगे कि और माड़ा तहसील का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा एक गांव विलेज जो कोस्टल एरिया पे वाकिया है, वहाँ ले जा रहे हैं आपको। हमारे साथ रहें इंशाल्लाह, कलातो आपको दिखाएंगे, उसका व्यू दिखाएंगे। अभी सनसेट करीब है, इंशाल्लाह चंद घंटे बाद सनसेट शुरू होगा, आपको दिखाएंगे वो सीन। ये कलातो का लिंक रोड है जहाँ से हम कलातो जा रहे हैं, जो ताक और बल के दरमियान। गाइस हम कलातो पहुँच गए हैं और सूरज की वजह से, सूरज के सामने बिल्कुल मैं हूँ और मेरे बैक साइड पे जो दरगाह है जो आपको नज़र आ रहे हैं। और आज आपको बताने वाला हूँ कलातो में बैठे हैं जो मछलियों के लिए जाल बना रहे हैं और बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वो बलूची में बात करेंगे, आपको ट्रांसलेट करके देंगे इसी हवाले से। आज साथ दें हमारे और हमारे साथ रहें इंशाल्लाह। कुछ मालूमती चीज़ें कुछ अबाउट ताक बीच के हवाले से आपको मालूमात होगी और इसी हवाले से साथ दें, उनके पास चलते हैं और मालूमात लेते हैं कि ताक बीच और कलातो जो नज़दीक दो छोटे विलेज हैं, ये जो आर्बर विलेज है, इसी हवाले से साथ दें, उनके साथ चलते हैं, पास चलते हैं और बताएंगे उनके बारे में। Thank you.
गाइस अभी हम जा रहे हैं कला तो बंदर का वो हिस्सा, मतलब जहाँ बने हुए हैं गोदाम मछली के लिए। काइंडली आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ मछली स्टोर होते हैं। लॉबस्टर वगैरह आजकल आ रहे हैं, उनका सीज़न है। प्रॉन्स वगैरह भी आते हैं, मछलियों की बहुत सारी अकसाम हैं। यहाँ से कराची ले जाया जाता है उन्हें, और आपको दिखाएंगे भी लॉबस्टर। ये देखें, ये बिल्कुल ज़िंदा है, और काइंडली देख सकते हैं हमने बाहर निकाला है इसे दिखाने के लिए, और मूव कर रही है, अपने आप को हिल रही है और ज़िंदा है। काइंडली अभी आपको दिखाएंगे गोदाम का अंदरूनी हिस्सा। ये भी मैंने एक उठाया हुआ है लबस्टर, काइंडली आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल ज़िंदा, ये भी ज़िंदा है। इसकी टांगें, बॉडी मूवमेंट काइंडली देखें आप इसे, और दिखाने के लिए मैंने उठाया है आप लोगों के लिए। और ये आप देखें, इसको अलग किया जा रहा है, जो मुर्दे हैं, जो लाइव हैं, ज़िंदा हैं, उनको अलग अलग किया जा रहा है, क्योंकि जो मुर्दे होते हैं, जो बेजान होते हैं, उनको फेंक देते हैं, या बहुत सारे लोग माहीगीर मछेरे फिशरमैन उनको घर में बनाने के लिए ले जाते हैं। लबिस्टर को बलूची में कीका कहते हैं, कीका, और इसको इंग्लिश में तो सब जानते हैं लबिस्टर कहते हैं इसे, और अरबी में कहते हैं उम्मे रुबियान, अरबी नाम है उम्मे रुबियान, अरबी में कहते हैं इसे। ये मौसम, ये इसी मौसम में ये मतलब इसको लाया जाता है और मार्केट की जाती है इसे। आप काइंडली अभी देखेंगे जो इनको अलग किया जा रहा है, जो ज़िंदा हैं बिल्कुल, इसको ज़िंदा पकड़ के लाते हैं, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा होती है, और जो मुर्दे होते हैं वो मतलब नाकारा हो जाते हैं, उनको जो सेठ लोग होते हैं या जो लेने वाले होते हैं वो इनको नहीं लेते। इनमें बहुत सारी मतलब बहुत सारी एक्साम पाई जाती हैं इसमें, मुख्तलिफ किस्मों में, छोटे बड़े, लेकिन वेट के हिसाब से फिर वेट करके इनको लिया जाता है। आप काइंडली देख सकते हैं, एक मछेरे ने जाल में करके इनको लाया है, जाल के ज़रिए बांध के। अभी गांठे खोल रहे हैं, देखते हैं साहली इलाके के लोग, गरीब मतलब पसमानदा बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले, ना बिजली ना पानी, रोड का निज़ाम आलिया बने, रोड वगैरह, और काइंडली आप देख सकते हैं इनकी कश्तियाँ हैं। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये सपोर्ट, इसको बलूची में कहते हैं, ये कश्ती से, छोटी कश्ती से भी छोटी है, और इसको सिंगल पर्सन यूज़ करता है, और समंदर में मछली के लिए इस्तेमाल में लाता है। अभी आप देख रहे हैं इनको, ये कलातो बंदर का एरिया है, ताक का एरिया है, ताक से तकरीबन 5-6 किलोमीटर का रास्ता है मगरब की तरफ, और कलातो बंदर जहाँ पर घर बने हुए हैं मच्छेरों के और जालें रखी हुई हैं, वो यहाँ के सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करके मछलियाँ समंदर से लाते हैं, और
ज़राए माश का ज़रिया भी यही है, मछलियाँ हैं वो लाते हैं और आप काइंडली देख सकते हैं इनको अलग किया जा रहा है, जो डेड लोबेस्टर हैं और जो लाइव लोबेस्टर हैं यानी ज़िंदा लोबेस्टर, झींगे और कीकट कीकट इनको अलग किया जा रहा है। और हमने खासकर ये शॉट लिया था, शॉट मतलब हम वक्त पर पहुँचे हैं वहाँ कला तो बंदर और हमें ये मिला सामने। इनको अभी गोदाम में इनको पैक किया जा रहा है, इस तरह पैक किया जा रहा है कि ये ज़िंदा रहें और कराची तक पहुँचें। इनको एक सही पोजीशन में बिठाया जाता है और इनके ऊपर जो एक किस्म का पाउडर होता है, जो बुरादा होता है, लकड़ी का चूरा होता है, उसके ऊपर इनको लगाते हैं और इनको अच्छी तरह से पैक करके कराची एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इसका, इसको कैसे पैक करते हैं, पैक करने के बाद सॉल्यूशन टाइप वगैरह लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं। और आप देख रहे हैं काइंडली हमने इस शॉट को शूट किया है। गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? ताक बीच और कलाथो बंदरगाह, जो ताक के मगरबी जानिब वाकिया है, जो मछेरों की बंदरगाह है, जो माहीगीरों की बंदरगाह है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसीलिए कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप तक पहुँचेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शकीब अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।